हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कुकिंग डिवास के किचन से आपके लिए एक पनीर की रेसिपी लाई हूँ और ये हमारे पनीर स्पेशल वीक की पहली रेसिपी है शाम सवेरा। पनीर की सॉफ्टनेस और ब्रेड की क्रिस्पीनेस इस रेसिपी के नाम को यूनिक बनाते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और ये हरी मिर्ची ली है। इसके लिए हम पनीर को अलग से एक बड़े बोल में डाल लेंगे और इस पनीर को हम इस तरह से अच्छे से मैश करेंगे। ये देखिए, पनीर को इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच काली मिर्च, एक छोटा चम्मच नमक, उसके बाद ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब हम तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इस पनीर के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। अब हम देखिए इस तरह से पनीर के ये छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, ये पनीर के बॉल्स छोटे छोटे बन गए हैं। अब हम इन ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट करेंगे। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस कट होने के बाद हम ब्रेड को ऐसे पानी में एक साइड से डिप करेंगे और दूसरी साइड से थोड़ा हल्का डिप करेंगे और ब्रेड का पानी हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, पानी निचोड़ने के बाद हमें ये पनीर के बॉल को इसमें इस तरह से पैक करना है और उसको एक अच्छा और सुंदर शेप देना है ताकि दिखने में भी वो अच्छा लगे। ये देखिए, अब हम इसके भी बॉल्स बनाएंगे। देखिए, मैंने इसको पूरा अच्छे से स्मूथ करके फिर से एक बॉल का शेप दे लिया है। ये देखिए, इनको अच्छे से पैक करना है, नहीं तो हमारा पनीर का स्टफिंग बाहर आ सकता है। ये देखिए, अब हम इन पनीर के बॉल्स को फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि इनकी नमी निकल जाए और ये सेट हो जाए। इसके बाद अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। अब हम तेल को अच्छा तेज गरम करेंगे। अगर ये तेल गरम नहीं होगा तो ये पनीर बॉल फट सकते हैं। देखिए, तेल गरम हो गया है अच्छा तेज। अब हम इनको एक एक दो दो करके इसमें डीप फ्राई करेंगे। हम एक एक दो दो करके इनको फ्राई करेंगे और इनके गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तलेंगे। हमारी ये शाम सवेरा की रेसिपी रेडी हो गई है। होप आगे भी इसी तरह आप हमारे पनीर के रेसिपीज को एंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।